जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे राम नाम के महत्व के बारे में। क्या है राम नाम की महिमा? दुर्गेश बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले अकेला फ्रिज करने वाले कमरे का चक्कर लगाने गया तो गलती से दरवाजा बंद हो गया और वह अंदर बर्फ वाले हिस्से में ही फंस गया। छुट्टी का वक्त था और सब काम करने वाले लोग घर जा रहे थे। किसी ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया कि कोई अंदर भी फंस सकता है। दुर्गेश समझ गया कि 2-3 घंटे बाद उसका शरीर बर्फ बन जाएगा। अब जब मौत सामने नजर आने लगी तो भगवान को सच्चे मन से याद करने लगा, अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगा और भगवान से कहा कि प्रहलाद को तुमने अग्नि से बचाया, अहिल्या को पत्थर से नारी बनाया, सबरी के झूठे बेर खाकर उसे स्वर्ग में स्थान दिया। प्रभु, अगर मैंने जिंदगी में कोई एक काम भी मानवता व धर्म का किया है तो मुझ पर कृपा करो और यहाँ से बाहर निकालो। मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, उनका पेट पालने वाला इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। एक घंटा ही गुजरा था कि अचानक फ्रीजर रूम में खटखट की आवाज हुई। दरवाजा खुला, चौकीदार भागता हुआ आया, उस आदमी को उठाकर बाहर निकाला और गर्म हीटर के पास ले गया। उसकी हालत कुछ देर बाद ठीक हुई तो उसने चौकीदार से पूछा, आप अंदर कैसे आए? चौकीदार बोला कि साहब, मैं 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। इस कारखाने में काम करते हुए हर रोज सैकड़ों मजदूर और ऑफिसर कारखाने में आते जाते रहते हैं। मैं देखता हूँ, लेकिन आप उन लोगों में से हो जो जब भी कारखाने में आते हो तो मुझसे हंसकर राम राम करते हो और हालचाल पूछते हो। निकलते हुए आपका राम राम काका कहना मेरे सारे दिन की थकावट को दूर कर देता है, जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं गुजर जाते हैं कि जैसे कि मैं हूं ही नहीं। आज हर दिनों की तरह मैंने आपको आते हुए देखा, अभिवादन तो सुना लेकिन राम राम काका सुनने का इंतजार करता रहा। जब ज्यादा देर हो गई तो मैं आपको तलाश करने चल पड़ा कि कहीं आप किसी मुश्किल में ना फंसे हों। वह आदमी हैरान हो गया कि किसी को हंसकर राम राम कहने जैसे छोटे से काम की वजह से आज उसकी जान बच गई। राम कहने से तर जाओगे, मीठे बोल बोलो संवर जाओगे। सबकी अपनी जिंदगी है, यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं देता। जो दोगे औरों को वही वापस लौटकर आपके पास आएगा। जय श्री राम। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।